कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन के तहत रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कार्यालय से गांधी समाधि तक रिक्शा में बाइक रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के आगे धरने पर बैठ गए। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने कहा, इस संकट के समय केंद्र सरकार ने जनता की जेब काटने का इतिहास रचा है। डीजल अब पेट्रोल के रेट को पार कर चुका है, जबकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट है। सरकार हर दिन कुछ पैसे बढ़ाती है ताकि एक साथ 8 रुपये या 9 रुपये की लूट ना दिखे। महामारी से पैदा हुई आर्थिक तबाही में भी जनता क्यों परेशान किया जा रहा है? केंद्र सरकार डकैत बनकर जनता को लूट रही है। कच्चे तेल के दाम जमीन पर और पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं। सरकार जनता की जेब पर डकैती डालकर सरकारी खजाना भरना चाहती है। जब खजाना भर जाएगा तब सरकार उस खजाने को उद्योगपतियों में बांट दिया जाएगा।